हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव वन गुड न्यूज़ टू यू। दिस इज़ ESSC वैकेंसी। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ESSC में वैकेंसी निकालने वाला है, और इवन दैट इज़ आपका बैंगलोर एंड पिनाया दोनों का। एंड ESSC का जॉब हर कोई करना चाहते हैं, बिकॉज आधा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उनसे बहुत रिलैक्स है, उसमें वर्कलोड भी बहुत कम रहता है एंड बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी है रिलैक्स। एंड आपकी पे स्केल भी बहुत अच्छा रहता है। ESSC में भी आपको लगभग 70+ आपकी 70,000+ आपका मंथली सैलरी मिलेंगे एंड रिलैक्स जॉब मिलेंगे। सो एवरीबडी दे वांटेड टू डू। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी से प्रिपरेशन ले लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला। दिस इज़ एक ऑफिशियल लेटर है, इनमें ये कह रहा है कि ESSC का जो कर्नाटक एंड पिनाया बैंगलोर का दो ESSC हॉस्पिटल है, उन्होंने आपने जो भी पोस्ट है वो एलोकेट किए हैं एंड हेड क्वार्टर के लिए न्यू दिल्ली में लेटर सेंक्शन किए हैं, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड ऑल वो अभी तक नहीं आया, बट इट विल रिलीज सो सून। सो आप अभी से अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। सो इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट हैं। सो इसमें ESSC बैंगलोर एंड ESSC पिनाया दोनों का ही है। जो बैंगलोर है इसमें स्टाफ नर्स 228 पोस्ट हैं एंड नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी 98 है। ENS जो है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, उनका 22 है। जो DNS है इनके लिए 3 पोस्ट हैं एंड जो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है NS है उनके लिए 1 पोस्ट है एंड जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए 1 पोस्ट है। सो नेक्स्ट देखिए ESSC पिनाया जो है इनमें क्या रहेंगे, दैट इज स्टाफ नर्स ऑल्सो 90 पोस्ट है। इनमें सिस्टर नर्सिंग, जो नर्सिंग सिस्टर है उनको 38 पोस्ट रहेंगे, ENS का 8 पोस्ट एंड DNS का 1 वैकेंसी रहेंगे एंड NS एंड चीफ नर्सिंग ऑफिसर का कोई वैकेंसी नहीं रहेंगे। सो टोटल यहाँ पे लगभग 455 पोस्ट रहेंगे। सो हर कैटेगरी का वैकेंसी है। सो आप जो भी इनके लिए एलिजिबल होंगे, आपको पता है फ्रेशर्स JNM BSc दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पर जो भी NS रहेंगे DNS रहेंगे उनके लिए तो ज़्यादा चाहिए, बिकॉज NS तो एटलीस्ट आपके पास BSc प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास MSc नर्सिंग है मिनिमम 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इवन DNS के लिए भी डिजायरेबल MSc रहते हैं एंड BSc एटलीस्ट 7-8 ईयर एक्सपीरियंस रहते हैं। सो NS के लिए भी ज़्यादा MSc प्रेफर करेंगे, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस प्रेफर करेंगे। अभी तक निकला नहीं, बट एक बेसिक मेरा आइडिया से बता रही हूँ। NS के लिए भी आपका MSc प्लस आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस प्लस 7 to 8 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी मांगेंगे चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट है इनमें, इस हिसाब से आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट PG विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस इस तरीके से होना चाहिए। सो ये सारे वैकेंसी निकलेंगे। जो भी सीनियर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनके लिए भी बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। सो दोज वो आर इंटरेस्टेड, अब आप भी इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ESSC में भी आपको रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करना है, दैन यू विल बी सिलेक्टेड। सो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द सेंस कब से फिल करना है, कब लास्ट डेट है, कब एग्ज़ाम है, वो सारे नहीं आया, बट एक अप्रूवल लेटर है वो बस आ चुके हैं। दैट मीन्स सो सून दे विल कंडक्ट एग्ज़ाम। सो आप जो भी टारगेट बनाना है आज से शुरू कर दीजिए ESSC के लिए प्रिपरेशन वगैरह। तो गुड लक फॉर दैम एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आपको ये जॉब तो मिलना ही चाहिए एंड मिलने के लिए आपको हार्डवर्क करना ज़रूरी है। सो आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।